नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप, मैं मनीष कुमार वर्मा। खबरों की शुरुआत करें, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। बड़ी खबर आ रही है रांची से, विधायक सरयू राय की बड़ी मुश्किलें। विधायक सरयू राय पर भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर, मनोज सिंह नामक व्यक्ति ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। आहार पत्रिका के प्रकाशन में गड़बड़ी को लेकर ये एफआईआर कराई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, विधायक सरयू राय की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है। सरयू राय पर भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मनोज सिंह नामक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई है। आहार पत्रिका के प्रकाशन में गड़बड़ी को लेकर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक सरयू राय की मुश्किलें बढ़ रही हैं। विधायक सरयू राय पर भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर हुई है। मनोज सिंह नामक व्यक्ति ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। आहार पत्रिका के प्रकाशन में गड़बड़ी को लेकर यह एफआईआर कराई गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, विधायक सरयू राय की मुश्किलें जो है वो बड़ी हैं। भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। मनोज सिंह नामक व्यक्ति ने एफआईआर कराई है। आहार पत्रिका के प्रकाशन में गड़बड़ी को लेकर एफआईआर की गई है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन जुड़ चुके हैं। मदन, विधायक सरयू राय की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, क्या है पूरा मामला? मदन, आवाज आ रही है आपको मेरी? मिल रही आवाज। देखिए, ये मामला जब सरयू राय रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे, उनके कैबिनेट के वो सहयोगी थे और खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, उसी दौरान उस विभाग से एक आहार पत्रिका का प्रकाशन होता था, जिस पर कि ये आरोप लगा था कि सरयू राय जो है अपने नजदीकी लोगों को इसके टेंडर दे दिए हैं पत्रिका के प्रकाशन के लिए। इसी में ये गड़बड़ी को लेकर के शिकायत जो है पहले से दर्ज किए गए थे, लेकिन अब वो शिकायत पर जो है एक तरह से कहे तो एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। मनोज सिंह नामक व्यक्ति ने आहार पत्रिका में के प्रकाशन में गड़बड़ी को लेकर के ये शिकायत दर्ज की है। आपको ये पता है कि पहले से ही सरयू राय और जो स्वास्थ्य मंत्री है बन्ना गुप्ता, वो लगातार आमने सामने है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रखते हैं। ऐसे में ये एक नया मामला जब आया है तो जरूर एक दूसरे पर फिर से हमला बोलेंगे। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। जो एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, आपको ये भी पता है कि हाल के दिनों में सरयू राय जो है वो जेडीयू का दामन थामे है और खबरें ये आ रही है कि झारखंड में एनडीए फोल्डर के तहत आजसू, बीजेपी और जेडीयू, ये तीनों दल मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में जो विधानसभा क्षेत्र है जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी, ऐसे में किसी भी सीट से सरयू राय के चुनाव लड़ने की संभावना जो है वो प्रबल है। तो क्या यह एक राजनीतिक पहल है या एक तरह से ये कहे कि सरकार के इशारे पर, या फिर किस दबाव में ये हुआ है, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि ठीक चुनाव से पहले इस तरह की जो मामले सामने आते हैं तो उसमें जरूर कहीं ना कहीं सियासत नजर आती है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। हालांकि सरयू राय ये कहते हैं कि इससे हम घबराने वाले नहीं है, इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो हम अपना न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे, जो गड़बड़ियां हुई है उसके लिए न्यायालय स्वतंत्र है कार्रवाई के लिए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या ये मामला जो है सियासी तूल पकड़ता है, लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि सरयू राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है आहार पत्रिका प्रकाशन में गड़बड़ी को लेकर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सरयू राय, विधायक सरयू राय की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई। मनोज सिंह नामक व्यक्ति ने उन पर एफआईआर दर्ज कराई है। आहार पत्रिका के प्रकाशन को लेकर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है और भ्रष्टाचार के मामले में ये एफआईआर है। आपको बता दें, सरयू राय पर मनोज सिंह नामक व्यक्ति ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। आहार पत्रिका के प्रकाशन में गड़बड़ी को लेकर ये एफआईआर कराई गई है।